आशा गावड़े गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट उमंग हॉस्पिटल नरमसर पुणे से। आज मेरे जो रेगुलर प्रेग्नेंट सब्सक्राइबर है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ कि व्हाट आर द साइंस ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है। आप पूरा ट्रैक करते रहते हैं कि मेरा ओवुलेशन हो रहा है या नहीं, या अगर मेरा इम्प्लांटेशन हुआ या नहीं, ये मुझे PMS के सिम्टम है, मेरे पीरियड आएंगे, या मेरा फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप कॉन्स्टेंट सोचते रहते हैं। तो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे शायद आपको समझ में आएगा कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है या नहीं। बेसिकली जो है कि बेसिक फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन एन एवरेज जिनका रेगुलर साइकिल्स रहता है 28-30 डेज का, उनके 14-15 दिन ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन यानी कि आपका अंडा रप्चर हो जाता है और वो जो अंडा है वो ऐसे आपके फैलोपियन ट्यूब में पिकअप हो जाता है। और जब भी आपका सेक्स होता है तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर ट्रैवल हो जाते हैं, स्पर्म और अंडा मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और वो फर्टिलाइज बेबी Day 5 में यूट्रस में आके चिपकता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के क्या क्या साइंस रहेंगे, सबसे पहले ये साइंस जो है ये 100% रिलायबल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो उसकी वजह से क्ल्यू आ सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ या नहीं। सबसे पहले आपका बॉडी टेम्परेचर, आप अगर रेगुलर डेली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं तभी अगर आप आपका रेगुलर डेली बॉडी टेम्परेचर अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो आइडियली ओवुलेशन होने के बाद में आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन हुआ तो एक दिन आपका बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाएगा इम्प्लांटेशन के दिन, और उसके बाद वो बॉडी टेम्परेचर कुछ दिनों के लिए कम रहेगा। तो अगर आप डेली टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको हेल्प हो सकती है। दूसरा है कि आपको माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं। 20-25% पेशेंट्स को इम्प्लांटेशन के वक्त मेंसेस के जैसे हल्के फुल्के क्रैम्प आते, किसी किसी को सीवियर क्रैम्प रहते जो बैक की तरफ और लेग्स की तरफ रेडिएट हो जाते। थर्ड इम्पॉर्टेंट साइन है इम्प्लांटेशन का कि आपको स्पॉटिंग हो सकता है। जब भी वो बेबी और ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं हम लोग, Day 5 का एम्ब्रियो जब भी यूट्रस में चिपकता रहता है वो कोर करता है एंडोमेट्रियम को, और उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है। हार्डली 2-3 ड्रॉप्स रहेगा। काफी सारे पेशेंट्स उसको कन्फ्यूज करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग के साथ में। प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग जो है आपको वो डेली चलेगा, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हार्डली 1-2 दिन रहेगा, 2-3 ड्रॉप्स हो सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट साइन रहेगी कि आपको ब्रेस्ट हेवीनेस और ब्रेस्ट टेंडरनेस आना शुरू हो जाएगा। और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के 1-8 दिन के बाद में जब भी आपके बॉडी का प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है, बीटा HCG लेवल बढ़ने लगता है, तो आपको उसके सिम्टम्स आने लगेंगे। आपको लेथर्जिक फील होगा, वीकनेस रहेगा, आपको कॉन्स्टेंट सोने की इच्छा रहेगी, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं रहेगी, या आपका एपिटाइट बढ़ भी सकता है, आपको ब्लोटिंग रहेगा। तो ये भी कुछ साइंस आ जाएंगे। तो ये है 5 साइंस जिससे आपको इम्प्लांटेशन का थोड़ा बहुत क्ल्यू आ सकता है। अभी पेशेंट्स का और एक क्वेरी रहता है कि ये जो इम्प्लांटेशन है उसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के साथ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं आपको जो पीरियड का डेट है उसके 4-5 दिन पहले। अगर आपका टेस्ट फेंट पॉजिटिव आ रहा है तो आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो शायद आपका इम्प्लांटेशन हुआ है लेकिन आप टेस्ट जल्दी कर रहे हैं, या फिर आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट साइन रहता है कि जो मैंने बोला है कि स्पॉटिंग, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रहेगा तो हार्डली 1-2 दिन होता है, लेकिन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाला या प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग जो है वो आपको कंटिन्यूस चलेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेन, आपको अगर एब्डोमिनल क्रैम्प या बैक पेन हो रहा है तो वो जो है आपको वो तुरंत ओवुलेशन के बाद स्टार्ट हो जाता है, जो कि इम्प्लांटेशन वाले जो भी सिम्टम्स है वो आपको ओवुलेशन
ओवुलेशन के एक 1 वीक के बाद सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओवुलेशन आपको कैसे ट्रैक करना है वो तो आप ओवुलेशन मॉनिटरिंग करो, ओवुलेशन किट यूज करो, या बाकी भी कुछ कुछ चीजें हैं वो आपके आप मेजर करो, उससे आपको ओवुलेशन पता चलेगा। और कोई भी सिम्टम्स आपके ओवुलेशन के 8 या 10 दिन के बाद स्टार्ट हो रहे हैं तो वो आपका इम्प्लांटेशन सिम्टम है। लेकिन अगर आपको तुरंत ओवुलेशन के बाद आपको बैक पेन हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रहा है तो वो आपका PMS का साइन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, वो अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।